वाला वो तो जाएगा ही नहीं। एक ही कटा निकाल लो। हाँ तो निकल गया। हाँ निकल तो रहे मगर नहीं इतना अच्छा। पंचम में ले लिया होगा ना? जी पंचम में तो नहीं ले लिया। पंचम में नहीं जाता। ये पंचम में चला जाएगा। ये तो मत और चल जाएगा। हाँ हाँ तो फिर इसे को करें। हाँ पंचम कर दिया। ये बहुत धबधब हो जाएगा। ऐसी बजाते रहे तो मैं सुनता रहूं बैठा हुआ। इतनी प्यारी और इतना वजन उसका वजन और दिल पे इतना असर हो रहा था। क्या नादी धन्ना थी ऐसी आज तक मैंने नहीं सुनी किसी से नहीं सुनी। कम से कम सन 25 का जिक्र है। कितने दिन हो गए? 55 वर्ष हो गए हैं। हाँ ऐसी नादी दिन ना मैंने नहीं सुनी। और कुछ भी ना कोई टुकड़ा था ना पुर्जा था ना कोई गत थी ना कुछ नहीं बस नादी दिन ना नादी दिन ना। तो ऐसा असर हो रहा था कि ये एक घंटे दो घंटे तक बजाते रहे हैं नादी दिन ना तो हम सुनते रहे इनका सिर्फ नादी दिन ना। जी नशा से जैसा हो जाता है हबीबुद्दीन। हाँ क्या तबला हाथ में आया तो जनाब तिरकट धिरकट ये मालूम चिड़िया जैसे बोल रही हैं चिड़िया चाह कर रही हैं। हाँ 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 कर रहे हैं। सही बात है। उस्ताद ने कहा कि फला काम कर दो। हाँ 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 करके भाग गए तो पता नहीं है कहाँ गए कहाँ नहीं। यह हालत है। और उस वक्त शागिर्द खड़े रहते थे उनसे कहा कि फला काम जी फौरन दौड़े अपना काम छोड़ दिया उन्होंने सबको छोड़ दिया पहले उनका काम कर दिया। ये चीज़ थी तो दिल से दुआएं निकलती थी जी। तो वो सब नहीं है कुछ नहीं अब तो मतलब परस्त हैं। मतलब जब तलक है जब तलक कर रहेंगे अपने और पराए जितने होंगे
और मतलब निकल गया, काम आ गया, उसके बाद पूछते नहीं कुछ नहीं, तो वैसे ही उनकी खैर बरकत है। बिल्कुल सही बात, क्या समझे जी। हाँ, आगे जाके भुगतेंगे उसका भुगतान। सही बात।
Dani, 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 dani
ಕರೆ ಲನಿ ದಬ ಮಗಲ ದಾ ಓಡಿ ಚಲ ಹಾ ಹಲೋ ಮಂಗಲಂ मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपके ज़माने में जो गुरु शिष्य परंपरा थी, आपके ज़माने में जो गुरु शिष्य परंपरा थी, आपने जिस ढंग से तालीम ली परनाना मियाँ से, तो उस दौर में और इस दौर में आपको कैसा लगता है? मेरे ज़माने की बात जो थी वो दौर ऐसा था, और आज का दौर जो है दुनिया बहुत बदल चुकी हैगी। मेरे ज़माने में तो ऐसी बातें जो आजकल हैं और आजकल चल रहा है, ये उस वक्त कहीं नामो निशान भी नहीं था, समझा? रहा ये मतलब उस दौर में, इस दौर में बहुत फ़र्क हो गया, बहुत बड़ा फ़र्क, इतना फ़र्क हो गया कि ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया इसमें। हमारे ज़माने में ये बातें ही नहीं थी, जो बुज़ुर्गों ने बड़ों ने कह दिया वो जी हाँ। आज तो उसके जड़ बुनियाद पूछते होंगे, अरे साहब अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो बच्चे, और हम तो बोलने की ताकत भी नहीं थी उनके आगे, जो बुज़ुर्ग लोग थे जो उन्होंने कहा जी हाँ के सिवाय कुछ कह ही नहीं सकते थे। आजकल तो बच्चे दलील करते होंगे, क्योंकि ज़माना इतना पलट गया हैगा कि कहा नहीं जा सकता हैगा। और उस वक्त का गाना जो था, अगर मैं आजकल के ज़माने में होता तो जो मैंने तरक्की करी है वो तरक्की मैं नहीं कर पाता, क्यों कि माहौल बहुत ज़्यादा। और आजकल का ज़माना ऐसा है कि भाई गाना भी गाएंगे और कुछ साथ में पढ़ाई लिखाई भी होए, बगैर पढ़ाई लिखाई के आज बिल्कुल बेकार है। तुम कितने ही गाते बजाते हो, अगर यशनो नहीं किया उसी चीज़ से कुछ नहीं, बेकार हैगा। मतलब आपका कहना चाहिए कि इस ज़माने में पढ़ाई की बहुत अहमियत है, और बहुत ज़्यादा अहमियत हो गई पढ़ाई की, बगैर पढ़े लिखे किसी काम का ही नहीं हैगा आजकल इस ज़माने में। और उस ज़माने में पढ़ाई लिखाई तो थी नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा करते थे। हमने भी जो मदरसा नहीं, स्कूल नहीं, मकतब कराया करते थे वो पहले ज़माने में, उसमें थोड़ी सी तालीम हमको दिलवाई। इतना हो गया कि हम ख़त वगैरह लिखने लगे, पढ़ने लगे, उर्दू पढ़ने लगे, अपने सब करने लगे। मतलब उस दौर से इस दौर में तो बहुत फ़र्क है। अरे बहुत ज़्यादा, वो पढ़ाई लिखाई और आज की पढ़ाई लिखाई, आज के वो तो ज़मीन आसमान का बात हो गया। अच्छा, ये आपसे गाने की तालीम लेते हैं, ये आप ज़रूरी समझते हैं कि अगर ये पढ़े लिखे हैं तो ठीक रहेगा? हाँ हाँ, ये तो बग़ैर पढ़े लिखे तो आजकल बिल्कुल बेकार हो जाता हैगा, कितना ही?